अध्याय 44 अलख कहे सुन शीश हा निमित्त माटी दई ब्राह्मण स्त्री जीवाड़ते बात बधे फेला अवधूत नो डंको अहियाँ चारे कोर दिगंत मा गाजी रह्यो करी शोर घन घोर भक्त जनो ए पोर ना कर्यो एक निर्धार रंग जयंती पोर मा उजव वातिवार ग्राम जनो सौ पोर ना जैने नारेश्वर पधारवा विनवी रह्यो पूज्य अवधूत प्रवर उत्सव 48 मी जयंती ऊपर जान आपे पोर पधारवा सद्गुरु सम्मति मान रंग सद्गुरु रीझिया था तो नंद अपार भक्तो ए गुरुदेव नो बोलाव्यो जयकार आवी सर्वे गाम मा कामे लाग्या तूर्त उत्सव नी तैयारियो करवाने अद्भुत खोदी खाड़ा टेकरा मार्ग करियो सुंदर बांध्या मंडप तोरणो पता कड़ा सत्वर बांधी दीधी दूर त्या घास निरम्य कुटीर अवधूत जी ने काज हा ढाढर सरिता तीर ठामे बांधिया कमान कलामय द्वार योगी ना शिरता जनो करवाने सत्कार सूदी सात में प्रातः काले समर्थ सद्गुरु निकला पोर आववाते नवनी गाड़ी मां प्रभु ईटोला स्टेशन उतरिया अहिनी भूमि ने करवाने पावन ટોલા સ્ટેશન ઉપર આવ્યા તા તે વાર સ્વાગત કરવા રંગનું લઈ શ્રીફળ ફૂલહાર તે સમય સ્ટેશન તણા ઝાપા પાસે છે પોર જવાના માર્ગ પર હતી હાટડી માલિક એ દુકાન નો મુસ્તફા મુસલમાન ખાટી મીઠી વેચીને ચલાવતો ગુજરાન હતો ને કોઈ આદમી દિલ નો દિલાવર કરે ખુદાની બંદગી હતો પાકનવર જાણ્યું એણે પોર જવા નારેશ્વર નારાજ મુજ આંગણમાં થઈ અરે પસાર થવાના આજ ઓલિયા પીર ફકીરનો આશક હતો એ જન સ્વાગત કરવા સંતનું કંઈક વિચાર્યું મન ખાસ જઈ વડોદરા અત્તર શીશી એક લઈ આવ્યો બહુ પ્રેમથી રાખી મન માટે મરકત મુખડે મન મહી એણે કર્યો વિચાર મારા આંગણ પાસથી અવધૂત થશે પસાર પવિત્ર એમના શરીર પર અત્તર છાંટી દઈશ
नाचिज मारी जिंदगी सफल बनावी लईश। एम विचारी मुस्तफा राखी प्रेम अपार, अतर शीशी नहीं हो नीज दुकान ने द्वार। क्या तो सुनी गर्जना जय गुरुदेव दत्त, पूडे छोड़ गुलालनी फुटे फटाकड़ा फट। मानव मेरा मन आहा उछड़े बनी मस्तान, भक्तों थी बीताईला आवी रहा भगवान। चौगम सेवक सौ उभा भीड़ी हाथ थी हाथ, कर किल्ला नी मध्यमा चाले सद्गुरुनाथ। आवी पहुंचो काफलो मुस्तफा ने द्वार, त्या तो पण मानव तणी जमी भीड़ अपार। एक बीजा ने भीसता चाले सर्वे जन, पड़ा पड़ी बहु थई रही करवा गुरु दर्शन। अलख कहे सुन शीश हे ज्या ज्या अवधुत जाय, त्या त्या दर्शन काज हा जन अवधि उभराय। उभो उभो मुस्तफा करी रह्यो विचार, केवी रीते जाऊं त्या भीड़ करी ने पार। अवधुत जी अरे थई गया पसार, मुस्तफा तो जोई रह्यो बाघो थई तेवार। शणगारेली वेल मां बैठा सद्गुरुनाथ, पकड़ी वेल मां वेग थी पोर गामनी वाट। जोत जोता मां वेल तो थई अदृश्य तत्क्षण, जी जय नाद थी गाजी रह्यूं गगन। धीमे धीमे नाद पण डूबी जातो छेक, नीरवता प्रसरी बधे यारे एकाएक। जब की जाग्यो मुस्तफा जोयूं जारे, अतर शीशी हाथ मां ते मनी ते। कैक विचार कर्या पछी आव्यूं एने भान, मुझ अत्तर लीधा विना चाली गयो मस्तान। दौड़ी जाऊं भले अही पण हूं रहो यवन, हिंदू संत मुझ आरजू दर्शे शू निज मन। विचारी एम मुस्तफा मन मा दुखी थाय, बद किस्मत मारू अरे आव्यू आड़ू हाय। हाटड़िए बैठो छता पड़े नए ने चैन, धंधा मा दिल ना लगे थाये भी ना नैन। खादू पीधू ना कशु थयू चित उदास, अरे ओलिया आशकनी करियो के मनीराश। क्या तो रात पड़ी अने भूख्यो तरस्यो एह, थाक्यो पाक्यो पथारिये लंबावे निज देह। सूता सूता पण आहा कर तो एज विचार, मुझ आंगण मा थई अरे थाय संत पसार। तो ए ना हूं करी शक्यो संत तणु स्वागत, ना तर छाटी शक्यो अह मुझ बद किस्मत।
तना तन पर चढ़ता विचार चक्करे क्या रे थई मधरात आँख मड़ी क्या रे आहा थयू एक दृष्टांत स्वप्न पड़ू ए आशक ने मन हर एक अद्भुत आवी उभा सामने रंग गुरु अवधूत जटा झूठ शिर पर अने विकसित नैन विशाल दिव्य तेज थी लस लसे तग तग तू हा भाल धन्य भाग्य यवन ना योगी ना शिरताज एना नेक यकीन थी खड़ो सामने आज मधुर स्वर थी भक्त ने बोलिया सद्गुरुवर जाने मुख द्रुम थी सरा पुष्पो भाव सभर केम अरे ऊंघे हवे था बैठो सत्वर मारे माटे लावेलू दे मुझने अत्तर था तो उभो इतिहास यंत्र जेम मुस्तफा अत्तर काढ़ू कबाट थी रखे ने थाय खफा क्या तो अवधुत बोलिया केम करे छे वार छांट अत्तर मुस्तफा छांट छांट आवार तोई उभो दींग मूढ़ते थी अवधुत ए शीशी झुटवे हाथ थी खोले डाटो ते रेड़ी दीधू सर्व क्या अत्तर ए निज हस्त बे हाथे मसड़ी रहा तन चोड़ी निज मस्त पूछता अत्तर चोड़ता निज तन पर गुरुदेव केम खुश हवे ने तू बोल भक्त तत्खे अभो थई ने मुस्तफा मुख विकासी ज्याय करे बोलवायत कई अवधुत जीए त्याय अत्तर वाड़ा हाथ नीज चोड़े मुस्तफा तन फरी फरी त्या फेर व्या रहम करी भगवन भाव सभर है मुस्तफा कहवा जाय कयान अवधुत त्या तो पलक मां आता अंतर धान आंखों पण उघड़ी गई जागी गयो तेवार आंख जोड़ तो मुस्तफा करी रहयो विचार अरे आ तो ख्वाब हतू ख्वाब मावी एम अवधुत जी मुझ हाथ थी लेता तर तेम आखो दिवस एज में कर्या कयो विचार तेथी हूँ समणाई गयो आ तो व्यर्थ असार एम विचारी मुस्तफा परी उंघवा यत्न आँखों मीची ने करे हृदय थी भगना निंदरडी नावती पासा गसताए पड़ो पड़ो पथारी स्वप्न विचारे ते क्या तो चमक्यो विचार जो ए नाची ते लाव ने जो कबाट मां शीशी छे के केम झड़पे उठ्यो ने पछी छलंग मारी वेगे पहुंच्यो मुस्तफा
कबाट पासे छेक। झट उघाड्यू कबाट ने शीशी लीधी हाथ, फानस पासे लई गयो ऊंची करीने वाट। प्रकाश प्रसर्यो एकदम दूर थयो अंधार, शीशी खाली खम हती हतू न कई लगार। अवधि थई आश्चर्यनी निकल्यो मुख उद्गार, कमाल करी है ओलिया फाबे दई दीदार। त्यां तो आव्यो विचार के कदाच कबाट निमोय, शीशी पड़ी गई होय तो अत्तर त्यां ढड़ी जाय। लईने फानस कबाट मां हाथ फेरवी एम, जोयूं सारी पेठे के अत्र ढळ्यूं के केम। शीशी बराबर जोई तो शीशी हती अकबंद, नोता काणू तिराडवा केवळ हती सुगंध। पूरी करीने खातरी पछी विचार्यू मन, मारी श्रद्धा यकीन थी जरूर ए भगवन। रात्रे स्वप्ने आविने स्वीकार्यू अतर, माटे बड़ी फजर में पोर जाऊं सत्वर। उनके कदमों में आहा झुकावी मुझे शीर, कहिश करी कमाल ते नारेश्वर के फकीर। सवार था ता मुस्तफा खाली शीशी हाथ, लईने आव्यो पोरमा करवाने आवात। आबाजुए पोरमा समर्थ सद्गुरुनाथ, स्नान ध्यान परवारी ने जनगण दर्शन माट। गोमय थीली प्यागो प्या शुद्ध माट नाए, बीरा जाता ओटले अजीन पाथर दे। विध विध रंगना साथिया पूर्व दिशा ने द्वार, पूर्ती उषा रंगनो करी रही सत्कार। दर्शन कांक्षी भक्तनी लांबी मोटी कतार, पोफळ फूल लई हाथ मा लागी हती तेवार। एक एक आवे बधा कड़क शिस्त पड़ाय, अवधुत ना दर्शन थकी सहुनु मन हर खाय। अवधुत कंठे पुष्पनी माला जे अर्पाय, काढ़ी कंठ थी पी पड़े सर्वे लटकावाय। रंग बेरंगी पुष्पनो सजी अनेरो साज, पीपड़ पण आनंद थी झुकी रही छे आज। चौपासे अवधूतनी सेवको छे बेचार, तत्पर उभा काढ़वा प्रभु कंठ थी हार। ते समय अवधूत ना दिव्य देह थी वाह, लहरा तो अतर तणो खूब सुगंध प्रवाह। सेवक सौवी स्मित थई लेता मधुरानंद, तोयतर सुगंध विषे रह्या विचारी मन। अरे आज गुरुदेव ना शरीर माथी केम, सुगंधी अतर तणी आवे जो ने एम। उठी वेला परोढ़ी मेज कराव्यू स्नान, अतर के सुगंध कई नथी लगाड़ियूं आन। तोए साथी महकती
ती खुशबू तन थी आय आवे पवन साथ ती हाँ समझ न पड़ती क्याय एक बीजाने पूछता कारण एनू जान त्या तो बोलियो एक जन करता कई अनुमान फूलनी माड़ा माती हाँ छाटी घणु अत्तर हशे लाव्यो भक्त कोई थई ने भाव सब मन मान्यू कई मनु सुनिया उत्तर त्या तो जम क्या सेव को सुनी ऊंचो स्वर साद संभड़ी जोयू तो खाली शीशी लई वेगे आवे दौड़ तो एक मुस्लिम भाई वेगे दौड़े पण ही मुझायो पलवार दर्शन काजे भक्तनी लांबी देखी कतार शिस्त कड़क अवधूतनी कोई थी ना छटकाय राय होय के रंक पण वारो आवे जवाय भक्तो दर्शन करी गया एक पछी थी एक कतार घटी ने मुस्तफा प्रभु नी पासे छे पहुंचो त्या तो दूर थी थया रंग दीदार एज एज ओलियो नयन वही जलधार आव्यो अवधुत पास ए शीर मुक्यु भू पर पागल राम ए लवी रह्यो काढ़ी ऊंचो स्वर कमल करी ते ओलिया रहम करी रहमान दुआ करी दिलदार ते शे भूलू एहसान रहम करी गुलाम पर स्वीकार्यू अत्तर ख्वाहिश मुझ पूरी करी ख्वाब में खुद आकर आड़ो टेबू पर रने परी परी सलाम करी वदे उच्च स्वरे मैं तो तेरा गुलाम खाली शीशी हाथ मां ऊंची करी ने बबड़ता स्पष्ट कहीं रह्यो बतावी ते विस्मित थई ने सेव को रह्या विचारिए भूत प्रेत आने कहीं वर्ग्यू छे के सेवक एने रोकवा जेवो दौड़तो जाय त्या तो अवधूत जिए शान करी ने त्याय रोकी सेवक ने वदे भले बोल तो ए श्रद्धा माए नी तमे ना कर शो संदे कईक वखत बोलिया पछी मुस्तफा ते वार शांत थयो श्री चरण मा कर तो झाझा जुहार मुखमल कावि बोलता रंगा ऊंचे साद सेवक ने आज्ञा करी दो एने प्रसाद पोष भरी ने आप तो सेवक रंग प्रसाद हर्षावेश मुस्तफा दई रहे धन्यवाद सेवक ने कुतूहल थयू झाली एनो हाथ
कुटीर पाछड़ लई गयो पूछी धीमे थी वात चाचा तमने शू थयू शी छे तमारी वात विगत वार मुझने कहो बन्यु जेह साक्षात चाचा श्रद्धा वेश मा ठोकी बनने गाल बोल्या तुझने शू कहूं मारा हाल हवाल एम कही अतर तणी की धीरे गते वात इने घेर गया हता अवधुत जी गई रात खिस्सा माथी काढ़ी ने खाली शीशी जे आपी सेवक हाथ मा सबूत एनो ए सेवक शीशी लई जरा सूंघे जेवो त्याय डूब्यो ए तो एकदम आश्चर्याभिमाय अलख कहे साथी डूब्यो सेवक अचरज माय वात निरंजन सुनवा ज्ञान आप तू आय मैं के दिव्य देह थकी अवधुत जीना जे अतर तणी सुगंधा रहस्यमय ज्योते तेज जातना अतरनी सुगंध निसंदेह खाली शीशी थी अहा हति आवती एह यवन तणी श्रद्धा तणो जोई चमत्कार भक्तो ना मन मोद थी नाची रह्या तेवार धन्य दयाळु देव ए धन्य भक्त यवन एम कही श्री चरण मा करी रह्या वंदन श्रद्धा शू शू ना करे श्रद्धा मृत वे मृत ने संजीवन करे ए श्रद्धा नु थे सुन निरंजन शिष्य तू थवा निर्भय आय राख श्रद्धा दृढ़ आहा सद्गुरु पद निमाय मन रूपी तुझ हंस ने श्रद्धा राखी स्वस्थ सद्गुरु पद पिंजर मही पूरी देव मस्त राग द्वेष ना द्वंद्व नो थाशे पलक मनाश सुख सागर छल छल करी उभराशे चौपास सुन शिष्य आगळ हवे सद्गुरु लीला सार श्रद्धा भक्ति दृढ थशे थाशे बेड़ो पार पौर गामनी जयंती अड़तालीस मी जान भजन धुननी साथे जो आता पारायण भक्त जनो भेड़ा मळ्या गामे गाम ना त्याय आकर्षण अवधूत नु समान सगड़े थाय व्यक्त करवा कृतज्ञता पद्धति भारत माय पादुका गुरु रंगनी अंतिम दी पूजाय शास्त्र पंडित हरिद्वार नो हीर लो नाम सुनी अवधूत आचार्य प्रेरित आवियो काव्य लखी अद्भुत विद्या भास्कर ए भले अवधुत गुण लागाय
अवधूत परिवार मा नाम अमर थई जाए। श्री रंग मानस पूजा रंग स्तुति वड़ी त्याय गरबा गिरवाण गिराना रचना अद्भुत थाय। और गामे रीते आप्या पंडित एक जयंती ए साल तणी उत्तम बनती देख। दर वर्षे अवधूत जी रंग जयंती बाद रहता कोई एकांत ने शांत स्थले साक्षात। दत्त जयंती आवता नारेश्वर मा जाय श्री सन्मुख त्या मोदती उत्सव ए उजवाय। सवा मासनो समय समर्थ श्री अवधूत कोई अगम्य स्थले रही लीला करे अद्भुत। और गाम ना भक्त सौ हता जानता बात तेथी श्री चरणे करी विनती जोड़ी हाथ। और गामनी पश्चिम में काद गाऊ दूर मांडेरा हनुमान नु स्थान छे दिव्य प्रचूर। चोगरदम वृक्षो अने जंगल झाड़ी गाढ़ बे बाजू खड़खड़ वगे गाढ़र नीर रसाळ। करता पक्षियों गाता मधुरा गीत नीरव शांति स्थाननी शांत करे रुदचीत। राम भक्त हनुमान नु सुंदर देवालय मूर्ति श्री हनुमंतनी दिव्य बिराजे त्याय। स्थल मा अवधूत है बिराजो एक मास पोर गाम ना भक्त सौ सेवा कर शे खास। भक्ति वश अवधूत जी सुमन लाल नी साथ रतन लाल ने मोकल्या स्थल जोवानी बन्ने स्थल जोई ने आवी सदगुरु पास कर्यों निवेदन स्थान छे दिव्य अनुपम खास। सुनी प्रशंसा स्थान नी अवधूते देवार आपी अनुमति भक्त सौ आम्या हर्ष अपार। रातो रात करी दीधी त्या कुटीर तैयार लीपी गुपी पुष्पना सरस करिया शृंगार। बीजे दिवसे सद्गुरु आवी पहुंचाय वंदन करी हनुमान ने जोता कुटीर माय। अहियां थी अवधूत जिए लीला करी अपार कौन वर्णविए शके आशे ग्रंथ विस्तार। तोई सुन तुझने कहूं एकाद बे प्रसंग सुनता श्रद्धा दृढ़ तशे चढ़शे अनुपम रंग। गांधी साकड़ चंद जे पोर तनो सज्जन काछिया पटेल ज्ञातीनो कहे भगत सहुजन। ए भगत ने ते समय पूर्व कर्म संजोग असह्य पीड़ा आप तो थयो गुप्त कई रोग। डाक्टर वैद्यो कई करिया कई उपचार तोए पीड़ा नाश में पड़े न फेर लगार।
भगते एक दी आँख मासु साथ सद्गुरु चरणे दुखनी की दी विगते वात आवजे धोड़ा तल एक शेर मंत्री ने आपीश हूँ थाशे प्रभु नी महेर तल लई बीजे दिन भगत गयो प्रभु पास प्रभु ए निज अंगुली थी पाड़िया तल माचास पछी कहूं ए भक्त ने दर रोज प्रातः काल दातण करी मुख शुद्धि हा करिया पछी तत्काल नरणा कोठे चावा मुट्ठी भर आतल सारी पेठे चावीने गड़ी जवा तत्पल एवी रीते चावीने गड़िया पछी आतल तुर्त ज ना लेवू कशू चा कॉफी पय जल थोड़ा समय पछी भले लेवू चा पय जल बे चार दिन मा तो तने मड़शे सुंदर फल एक अठवाड़िया सुधी कर तू आ प्रयोग थशे महर सदगुरु तणी भागी जाशे रोग वंदन सदगुरु ने करी भगत आव तो घेर श्रद्धा थी तल भक्षवा शुरू कर तो सुपेर वित्यू नथी सप्ताह क्या दूर थई गयो रोग शांत पीड़ा थई अने शरीर थयू निरोग रोग मटाड़ियो भगत नो पामी वात प्रसार भक्तोए अवधूत नो बोलाव्यो जयकार कृपा करे अवधूत तो शू दुर्लभ जग माय शक्य करे अशक्य ने शिष्य संत नी छाय सुन नी दर्शन एक तू कोर गाम न पटे विठल भाई खेती करे जाने अन्य न खे भैंस बड़द ने बांधवा हतु कोडियु घर त्या बांधे अने राखे ते माखड़ ए घर मा रहतू हतू मलीन कोई तत्र रोज भेसना दूध नू चूसी ले तू सत्व भैंस दोही कोठी मा दूध घरे लई जाय दही जमावा जाय त्या तरत ज फाटी जाय दही ना कूचा थाय ने पड़ी जीवड़ा जाय दही माखण घी कदी दूध तणु नव थाय गमे तेवी ताची ने लावे महिषी घेर बांधता कोड़िए ज्योति हां आय दशा पेर घरनी बे पेढ़ी थई चाली आव्यूं आम दूध भेसनू तूर्त हा वेचवू पड़े तमाम कोई दिन एना दूधनू दही माखण नव थाय करे कदी प्रयत्न तो तूर्त ज फाटी जाय बात ए भक्तनी बोल्या सद्गुरुवाण जा वहलो लई आव तू गूगड़ ने लोबान
ભગવાનનું પાત્ર લઈ વિઠ્ઠલ સદગુરુની સામે ખડો રાખી મન નિશ્ચલ સદગુરુ નિજ મુખથી તિહા કરતા મંત્રોચ્ચાર આંગળી નિજની પાત્રમાં ફેરવી બે ત્રણ વાર પછી કહ્યું એ ભક્તને પ્રાતઃ કાલે સ્નાન કરીને ધોયલા વસ્ત્રો પહેરી તે આગું ગળલો બાનનો કોઢિયા ઘરની માય કરજે ધૂપ શ્રદ્ધા થકી સ્મરતા સદગુરુ રાય ઊંચે સ્વર કરતા જવું દત્ત બાવની ગાન મુઠી દઈને વાગશે ભૂત પ્રેત કે આન માથું મૂક્યું વિઠ્ઠલે રંગ ચરણની માય ભીની આંખે બોલ્યો જય 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 ગુરુ રાય ઘેર વિઠ્ઠલ આવીને સદગુરુ વચન પ્રમાણ બીજે દિન સવારમાં થયો શુદ્ધ કરી સ્નાન ધૌત વસ્ત્ર ધારણ કરી ધૂપ કુંડ લઈ હાથ આવ્યો કોઢિયા ઘર વિશે સ્મરતો સદગુરુનાથ બે દિવસ એણે કર્યો શ્રદ્ધાથી ત્યાં ધૂપ ત્રીજે દિન તો ત્યાં થયો ચમત્કાર અનુપ માએ દોહી ભેંસને કોઠી ભરેલું દૂધ ઘરમાં લઈ જઈ મોળવ્યું સ્મરી રંગ અવધૂત ગોઠવી દીધું ગોરસું દહીનું યથાસ્થાન રાત્રિભર અંતર વિશે સ્મર્યાદત ભગવાન બાજુ સુંદર દહી હતું જાણે આરસ પહાણ ચપ્પે કાપો ચોસલા કરો બધાને લહાણ એ દહી ને વલોવ્યું માખણ મજાનું થાય માખણ તાવતા ત્યાં આહા ઘી પણ અનુપમ થાય પ્રથમ એ ઘૃત વાપર્યું અવધૂત ભિક્ષા કાજ મલિન તત્વ ભગાડ્યું ધન્ય ધન્ય ગુરુ રાજ મેં પેઢીના દુઃખને ત્રણ દિવસમાં દૂર કરી અવધૂત જી કીધું અદ્ભુત કામ વાયુ વેગે વાત પ્રસરી ગામની માય લોકો કરવા ખાતરી વિઠ્ઠલને ઘર જાય જાણી વાત વિઠ્ઠલ મુખે વિસ્મિત થઈ તે વાર લોકોએ અવધૂતનો બોલાવ્યો જયકાર અલખ નિરંજનને કહે આવો ચમત્કાર શાથી સર્જાયો જરા એનો કર વિચાર સંત સ્પર્શ અદ્ભુત છે સ્પર્શ સંતનો થાય તો પામર આ જીવનના જન્મ મરણ મિટ જાય સંત શરીરમાં સંતના સાત્વિક તપનો જે ભંડાર પડ્યો શક્તિનો ટાળે જન દુઃખ તે પારસ મણીના સ્પર્શથી લોહ હેમ થઈ જાય તેમ સંતના સ્પર્શથી પાપી પાવન થાય અવધૂતજીના સ્પર્શથી પાવન થયેલા તલ રોગ માટે ભગતના કરતા તન નિર્મલ
अगाड़िने आपे शाश्वत हर्ष। सात्विक तप जे संतनु तेमा शक्ति अपार, स्पर्श करता भक्त मा ते शक्ति संचार। थाय छीने भक्तनी बुद्धि निर्मल थाय, निर्मल मति थाता भक्त संत थई जाय। माटे संत चरण तणा स्पर्श तणो महिमाय, डिम डिम ठोकी ने आहा शास्त्रो मो दे गाय। जेने संत चरण तणो कर्यो स्पर्श एक वार, तूटे भव बंधन ने थई जाय उद्धार। अलख कहे सुन शीश है जेने सेव्या संत, तेने विश्वे मेळव्यू शाश्वत सौख्य अनंत। संतन सात्विक तप तणी शक्ति अपरंपार, कल्याणार्थे विश्वना बरसे अनराधार। पोर गाम मा जो बनी लीला अपरंपार, गाता नावे पार ने ग्रंथ वधे अनिवार। बालक केरा गाम पर रंग निजाजी में, आगड़ वर्णन जो करूं लागी मुझ में। इति श्री रंग पादार विंद मिलिंद चुनीलाल बाल गोविंदोपाध्याय रचिते श्री रंग लीलामृते अलख निरंजन संवादे विविध लीला कथनम नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। अध्याय 44, सप्ताह पारायण, चौथो दिवस पूर्ण।